यदि हम खोजें तो हमें हर कदम पर नई चुनौतियां, नए चैलेंजेस मिलेंगे और एक चुनौती से दूसरी चुनौती तक, एक शिखर से दूसरे शिखर तक निरंतर जीवन जीने में एक रोमांच है। जितना ऊंचा तुम उठते हो उतने ही उच्च शिखर तुम्हारे सामने आते हैं और तुम अपने अहंकार का बोझ नहीं उठाते। फिर यदि तुम किसी चुनौती में असफल भी हो जाते हो तो तुम दुखी नहीं होते, तुम खुश होते हो क्योंकि तुमने ये चुनौती स्वीकार करी। तुम खुश होते हो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली, तुम्हें खुशी मिलती है कि तुमने इसे अंजाम दिया। यदि तुम सफल होते हो तो इसमें कोई अहंकार नहीं होता, तुम सिर्फ उत्साहित होते हो और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो। चुनौतियों के सच्चे प्रेमी के लिए सफलता और असफलता का कोई महत्व नहीं होता, पूरा मूल्य चुनौती और प्रतिक्रिया में होता है। और इस रोमांच में जो महत्वपूर्ण क्षणों के बीच आता है, जब एक और मृत्यु है और दूसरी ओर जीवन, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, एक गलत कदम और तुम अनंत गहराई में गिर जाते हो, तब व्यक्ति चेतना के शिखर पर जीता है। यही पहाड़ों पर चलना यानी ट्रैकिंग की सुंदरता है। कुछ भी हासिल नहीं होना है, केवल वह रोमांच ही आनंद है। यही जब तुम समुद्र पर सर्फिंग करते हो तो महसूस करते हो। कुछ भी हासिल नहीं होना है, केवल वह रोमांच ही आनंद है। यही आनंद है जब तुम अपनी कार को तेज चलाते हो और उस स्पीड में एक थ्रिल का एहसास होता है। एक क्षण ऐसा आता है जब हर क्षण एक जोखिम होता है, जैसे समय रुक जाता है, सोचना रुक जाता है। तुम 100 मील प्रति घंटे की गति से जा रहे हो, एक छोटी सी गलती और मृत्यु पास खड़ी है। तुम उस वक्त पूरी तरह से जागृत और सजग हो जाते हो, नींद का एक कतरा भी वहां नहीं होता। तुम पूरी तरह से जागे हो, तुम पूरी तरह से मौजूद हो जाते हो इस क्षण में। इसलिए गति में एक सुंदरता का अनुभव है, लेकिन इससे तुम्हारे अहंकार को कोई लेना देना नहीं, इसमें सिर्फ उस आनंद की अनुभूति है। लाइफ इज एन एडवेंचर, जीवन जोखिम का नाम है और यही इसकी सुंदरता है। इसमें तुम्हारा अहंकार का कोई स्थान नहीं है, अहंकार सिर्फ एक बोझ है। यदि एक अहंकारी व्यक्ति सफल होता है तो वह कभी आनंदित नहीं होता, यदि वह असफल होता है तो वह बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा उकसाता रहता है। वह कहता है, इससे क्या होगा, ये काफी नहीं है, इससे क्या हासिल होगा, अभी तो दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो, विश्राम नहीं करने देता है। वह कहता है, ठीक है लेकिन आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो। इसलिए तुम्हारे कुछ भी अचीव करने से खुश नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। यदि तुम असफल होते हो तो ये बहुत दुखी होता है। इसी दशा को हमने टैरो के 6 ऑफ वांड्स में दर्शाया है। और एक अहंकार रहित व्यक्ति जब वह सफल होता है तो वह खुश होता है, वह नृत्य करता है। जब वह असफल होता है फिर भी वह नृत्य करता है, क्योंकि ये हासिल करने या असफल होने का प्रश्न नहीं है, ये प्रयास करने का, आलोचनात्मक क्षणों में, खतरनाक क्षणों में जीवन जीने का प्रश्न है। ये रोमांच ही मूल्यवान है और इस स्थिति को हमने टैरो के 9 ऑफ पेंटिकल्स में दर्शाया है। इसलिए बस चुनौतियों को स्वीकार करते रहो और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करो। ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि चुनौती है। ईश्वर तुम में जीवन के प्रति वो आग पैदा कर देता है कि पूरा जीवन भभक कर जल उठता है। तुम वो परवाने हो जाते हो जो क्षमा में जलने के लिए तैयार हो। एक ऐसी यात्रा पर निकल जाते हो जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई शिखर नहीं, जिसकी ऊंचाई अनंत है। और जिस दिन वो घटना तुम्हारे जीवन में घटती है, जब तुम अपने उच्च शिखर पर पहुंचते हो, उस दिन तुम नहीं रह जाते, कोई और आ जाता है। एक नया व्यक्ति का जन्म होता है, पहली बार तुम्हारा असली होना प्रकट होता है। इसलिए ये प्रभु की यात्रा उस असंभव के लिए जुनून है। लेकिन असंभव भी संभव होता है, वह भी सत्य है, लेकिन ये केवल तभी होता है जब तुम मिट चुके होते हो। प्रणाम।